हेलो फ्रेंड, मैं रचना गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने फूड चैनल जायका आपका और हमारा में। फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं मटर की कचौड़ी। हम अपनी कचौड़ी मैदे से नहीं आटे से बनाएंगे। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए, और छोटी सी बगल में जो बेल बनी हुई है उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल का ऑप्शन चूज कर दीजिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो आइए अपनी कचौड़ी बनाते हैं। आज हम मटर की कचौड़ी बना रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपना डो तैयार करते हैं। तो ये 2 कप मैंने आटा लिया है। आप मैदा भी ले सकते हैं या 1 कप आटा और 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून रवा या सूजी डालेंगे। ये हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम पानी की मदद से सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। हमारा डो बन गया है। हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। मटर की कचौड़ी की स्टफिंग बनाने के लिए पहले हम मसाला अपना तैयार करते हैं। ये 2 टीस्पून खड़ी धनिया है, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 लाल मिर्च। इसको हम कढ़ाई में डालकर रोस्ट कर लेंगे। कढ़ाई में तेल नहीं डालना है, इसको सूखा ही रोस्ट करना है। फिर इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। मटर की कचौड़ी की स्टफिंग बनाने के लिए हमें 1 बोल मटर की ज़रूरत होगी, 1 टीस्पून इसकी खटाई, 1 टीस्पून चीनी, और ये मसाला जो अभी हमने भून कर तैयार किया था, 1/2 टीस्पून नमक, 1 चुटकी हींग, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अदरक बारीक कटी हुई या हम कद्दूकस कर लेंगे, और हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी धनिया। एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालते हैं। तेल गरम हो जाने पर हम अपनी हींग डालेंगे, जीरा, अपनी अदरक और हरी मिर्च इस समय डाल देंगे। अब हम अपना मटर डालेंगे इसमें। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून चीनी। अपनी आंच को हम धीमी करके मटर को सॉफ्ट होने तक ढककर पकाएंगे। चीनी को हम इसी समय डाल देंगे जिससे हमारे मटर का कलर ना खराब हो। हमारा मटर सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम अपने बाकी के मसाले डालेंगे। ये भुना हुआ मसाला जो हमने तैयार किया था,
पिसी हुई अमचूर, लाल मिर्च। ये मसाला अच्छे से मिलाकर हम पोटैटो मैसर की मदद से मटर को मैश कर देंगे। अब हमने मटर अच्छे से मैश कर लिया है। अब हमारा ये तैयार है। इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और हरी धनिया। अब हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हमारा आटा भी तैयार है और हमारी स्टफिंग भी तैयार है। अब हम अपनी कचौड़ी बनाते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए पहले हम अपनी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। में और बेलन में थोड़ी चिकनाई लगा लेंगे। हमने अपनी लोइयां बना ली हैं। अब इनको थोड़ा सा गहराई देके कटोरी जैसा शेप बना लेंगे। अब इसे हम अपनी स्टफिंग रख के अच्छे से कवर करेंगे। हम अपनी कचौड़ी को अब हम अपनी कचौड़ी तलेंगे। आंच को मीडियम ही रखेंगे। अब हमारी कचौड़ियाँ तैयार हैं। इनको किसी भी सॉस या चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। वैसे मटर की कचौड़ियाँ इमली की चटनी के साथ लाजवाब लगती हैं। इमली की चटनी की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।